राजधानी यमुना कॉलोनी फेज टू में बुधवार रात को दबंग युवकों ने फास्ट फूड के ठेला लगाने वाले को रुपए मांगने पर लाठी डंडों से पीटा। वहीं बीच सड़क पर मारपीट से आसपास के लोग दहशत में आ गए, वो अपनी दुकान समेटकर भाग निकले। ट्रांस गंगा कॉलोनी फेज टू में राज इलेक्ट्रॉनिक के पास युवक पुष्पेंद्र फास्ट फूड का ठेला लगाता है। वहीं बुधवार रात करीब 9 बजे क्षेत्र के प्रशांत और सोनू अपने दो दोस्तों के साथ आए। पुष्पेंद्र का आरोप है कि सभी नशे में थे। वहीं प्रशांत ने एक डोसा मांगा, उस डोसे में सभी लोग खाने लगे। युवकों द्वारा बार बार सांभर मांगा गया। फास्ट फूड दुकान के कर्मचारी ने बार बार सांभर देने से इनकार कर दिया। वहीं इस पर युवक डोसे के बिना पैसे दिए जाने लगे। दुकानदार संचालक ने इसका विरोध किया तो पहले उसे उधार के बारे में कहा उसने पहले के उधार के बारे में कहा और उनसे डोसे के भी पैसे मांगे। इस पर युवकों ने पुष्पेंद्र के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब आसपास के दुकानदारों ने मारपीट होते देखा तो वह दुकान संचालक को बचाने आए, मगर दबंग युवकों ने भी उनके साथ भी मारपीट कर दी। पैच इसके बाद वो दुकानदार को देख लेने की धमकी देकर भाग निकले। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।